सरोकार। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र की, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष पंडित रविशंकर जी। रविशंकर जी, देखिए प्राइम टीवी पर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। यूं तो अमूमन आप हर दिन राशियों के बारे में बताते हैं, कोई भी परेशानी होती है तो उसका समाधान बताते हैं, लेकिन फिलहाल आज का पंचांग क्या कहता है? जी धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दिन सोमवार, दिनांक 6 नवंबर 2023, चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश, अश्लेषा नक्षत्र, सूर्योदय 6:19 सुबह, सूर्यास्त शाम को 5:20। देखिए पंडित जी, यूं तो हम हर दिन की बात करते हैं कि हर दिन किस तरीके से राशियां बदल रही हैं तारों के परिवर्तन के साथ, तो चलिए आज का राशिफल क्या कहता है और आज का राशिफल किसके लिए क्या कुछ लेकर आया है, अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, पहली राशि, एक नंबर राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आय में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं, साथ ही खर्च पर नियंत्रण रखें और संतान से लाभ के योग हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि में शारीरिक परिश्रम के साथ आपको धनोर्जन होगा, उसके साथ ही आपको भाई बंधु से लाभ हो सकता है, साथ ही आय में वृद्धि होगी और आपके कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए किसी ना किसी कार्य को लेके दिन में आप असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, साथ ही आपको अपने वाणी पर और मस्तिष्क पर शांति का वास रखना होगा, साथ ही आपके आगे के कार्य के लिए आज का दिन थोड़ा ऊपर नीचे होने के योग है, तो आपको सावधानी से रहना होगा। ठीक है, देखिए पंडित जी, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है, अगर कोई परेशानी है तो उसे बचाव के भी उपाय बताइए। जी कर्क राशि, चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में प्रचुर मात्रा से धन लाभ होगा, साथ ही आपको धनोपार्जन के योग प्रबल हैं, साथ ही आपको रुका हुआ अगर कोई आपका कार्य है तो वो पुनः शुरुआत होगा, साथ ही आपको थोड़ा शीतलता से काम लेना है, नम्रता से रहें तो आपके लिए दिन अच्छा होगा। पांचवी राशि सिंह राशि। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम के बाद भी निराशा के योग हैं, परिवार के किसी सदस्य को मदद से संतोष प्राप्त होगा, साथ ही आप वाणी पर संयम अवश्य रखें क्योंकि इससे आपको क्रोध आएगा तो आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। छठी राशि कन्या राशि। स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अपने माता पिता का भी ख्याल रखें और उनसे आशीर्वाद जरूर लें, उनकी सेवा करें, पिता से कार्य क्षेत्र में आपको मदद की संकेत भी हैं और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है पंडित जी, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कितना खास है? देखिए तुला राशि, पूर्व में किए हुए कार्यों के परिश्रम का फल आपको मिलेगा, साथ ही किसी रुके हुए कार्य पुनः शुरू होंगे और आपको नए व्यापार के अवसर भी मिलेंगे। दिन भर भाग दौड़ से आपको थकान महसूस हो सकती है, साथ ही धन लाभ आज के दिन में जरूर होगा आपका। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, साथ ही
सुविधा अनुसार हो सके तभी यात्रा करें, नहीं तो आज के दिन यात्रा से बचें। कार्य क्षेत्र में, राजनीति में आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है। नवीं राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट संभव है। भाग्य के सहारे हर कार्य को ना छोड़ें, अपने मेहनत पर भी भरोसा रखें। साथ ही आपको अलग अलग तरीके के लोगों से मुलाकात हो सकती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। ठीक है, देखिए पंडित जी, लगातार हम राशियों का जिक्र कर रहे हैं, अब आखिरी के तीन राशियों की बात करते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के तारे आज क्या कहते हैं? देखिए, दसवीं राशि आपकी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए माता से स्नेह प्राप्त होगा, साथ ही आपको भाई बंध से मदद मिलने के आसार हैं। साथ ही धन लाभ के प्रचुर मात्रा में योग बन रहे हैं। साथ ही आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। धन वास्तविक जरूरत हो वहीं खर्च करें तो आपके लिए बेहतर होगा और आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए जो पूर्व में आप परिश्रम किए हैं उसका फल मिलने का दिन है आज। साथ ही आपको लोगों के क्या विचार हैं उस पर विशेष ध्यान देना है, फिर अपनी प्रतिक्रिया देना है। साथ ही आपको धन लाभ के साथ प्रगति के भी योग हैं, उसके साथ कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलने के योग हैं। आखिरी और बारहवीं राशि आपकी मीन राशि। मीन राशि में वाहन सावधानी से चलाएं, साथ ही पुत्र से लाभ के संकेत हैं, धन लाभ भी हो सकता है, भाग दौड़ से थोड़ा बचें और अपने कार्य को नियंत्रण में रखें। ठीक है, देखिए पंडित जी, ये तो रही राशियों की बात, लेकिन लगातार इस कार्यक्रम के दौरान मेल के जरिए हम तक कई सवाल भी पहुंच रहे थे, अब उनका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गोंडा से आरती तिवारी ने ईमेल के जरिए सवाल किया है कि आज के दिन एक विशेष व्रत रखा जाता है, उसको किस तरीके से रखना चाहिए और उसके रखने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि वो कहती है कि उन्होंने आसपास कई कुंवारी लड़कियों को इस व्रत को रखते हुए देखा है। देखिए, अपने शास्त्र में कहा गया है कि सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का अगर अविवाहित कन्या रखती हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और उनको सुंदर पति वर की प्राप्ति होती है। तो आप आज के दिन भगवान शंकर के साथ, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता गौरी पार्वती जी का विशेष पूजा करें तो आपको निश्चित ही आपका शादी के योग बनेंगे। अगर जो अपनी बहनें जिनका विवाह में विलंब हो रहा है या देरी हो रहा है तो वो व्रत अगर रख रही हैं तो पूरी सावधानी से रखें और नमक का बिल्कुल उपयोग ना करें, नमक ना खाएं। हो सके अगर रह सकती हैं तो आप सोमवार का व्रत पूरा दिन नीरा जल रहें, शाम को ही कुछ फलहार लें तो और भी विशेष आपको लाभ होगा। और हो सके तो 11 या 21 बेलपत्र पर श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखकर आप आज के दिन अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान भोले शंकर आपकी करेंगे और बहुत ही जल्द आपको विशेष लाभ होने वाला है। आपका चंद्रमा का, सोमवार का दिन चंद्रमा का भी कारक होता है, तो आपका मन अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आपका मन शांत भी रहेगा और आपकी जो सोच है वो अलग रहेगी और सबसे पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए पंडित जी, व्रत जो महिलाएं हैं वो लगातार रखती हैं, कोई महिला करवाचौथ का व्रत रखती है, करवाचौथ का व्रत लेकिन एक दिन का होता है, नवरात्र का व्रत 9 दिन का होता है, लेकिन अगर कोई 16 सोमवार का व्रत रखता है तो क्या उसे 16 सोमवार रखना जरूरी है? क्या व्रत की जो संख्या है वो कम या ज्यादा हो सकती है क्या? देखिए, अगर आप 16 सोमवार का प्रण लेके, एक संकल्प होता है, कोई भी अनुष्ठान अपने हिंदू धर्म में होता है तो उसका संकल्प होता है, अगर आप दृढ़ संकल्प लेके 16 सोमवार का करना चाहते हैं तो आपको 16 पूरा करना होगा। अगर आप 5, 7, 9, 11 ऐसे करना चाहते हैं तो आप उतने ही कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष आपको लाभ होगा वो 16 सोमवार से ही होगा।
ठीक है। देखिए पंडित रविशंकर जी, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो कुवारी युवतियां हैं अगर वो व्रत रखती हैं सोमवार का तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है, लेकिन अगर किसी पुरुष का शादी का संयोग नहीं बन पा रहा है तो क्या वो भी ये व्रत रख सकता है? देखिए, आप महिलाएं रख सकती हैं, पुरुष भी रख सकता है। विधिवत आप पूजा करें, पुरुष भी रख सकते हैं। आप के अंदर क्रोध अगर ज़्यादा आता है या शादी में रुकावट आ रही है तो आप विशेष भोले शंकर की आराधना करिए। उनके परिवार जैसा आपका परिवार जल्द ही बढ़ेगा और आपको सारी चीज़ों में तरक्की मिलेगी और शादी के प्रबल योग बनेंगे। देखिए, वैभव लक्ष्मी के व्रत का भी समापन होता है और हर एक व्रत का समापन होता है जब भी हम कोई व्रत रखते हैं, तो इस व्रत का समापन किस तरीके से होता है पंडित जी? क्योंकि आज लाजमी है, सोमवार का दिन है, तो कई महिलाएं या कई कुंवारी कन्या आज उस व्रत का समापन करेंगी, तो समापन करने के लिए क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, समापन के लिए दिन तो आप सभी जानते हैं सोमवार ही हो, तिथि अच्छी होनी चाहिए, नक्षत्र भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे नक्षत्र हैं जिस नक्षत्र में नहीं किया जाता है। साथ ही अगर समाप्ति का श्रावण का हो महीना, या फिर अधिक मास चल रहा हो, या त्रयोदशी तिथि हो, तो और विशेष होता है, आपको विशेष लाभ होगा और इससे आपको और भी तरक्की मिलने के योग। लेकिन आप जो नियमानुसार, कई नियम अलग अलग होते हैं, नियमानुसार आपको व्रत समाप्त करने के जो भी नियम है, दान पुण्य के साथ ब्राह्मण भोज, साथ ही अगर महिलाएं भोज करा सकती हैं कन्याएं तो वो भी कराएं, तो आपको विशेष लाभ होगा। पंडित जी, आपने कहा कि पारण करते टाइम हमें तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तिथि में इस व्रत का पारण कर रहे हैं। अगर इस महीने कोई महिला पारण करना चाहती है इस व्रत का, तो सबसे अच्छी तारीख कौन सी होगी? नहीं, अभी तो देखिए, आज अगर आप व्रत रख रही हैं, कल भी, जैसे आज मैंने बताया नौमी तिथि है, कल दसवीं तिथि है, तो आप कर सकती हैं, उसमें तो आप विशेष इस समय है, क्योंकि अभी आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए विशेष होगा, आप कर सकते हैं। बस प्रतिपदा ना हो, चतुर्थी तिथि ना हो, ऐसी कुछ तिथियां हैं जिसपे लोग अपना जो भी मनोकामना होता है उसकी समाप्ति नहीं करना चाहिए, बाकी अच्छा है, आप कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, देखिए हर एक दिन का कुछ ना कुछ यूँ तो विशेष होता है, आज के दिन का विशेष क्या है हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, आज दिन सोमवार है और आज का विशेष, अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी आज 6 तारीख है, लेकिन 4 तारीख को शनि महाराज अपने कुंभ राशि में मार्गी हो गए हैं, जो विशेष राशियों पर, 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ने। अभी तक क्या था कि शनि वक्री थे, उल्टा चाल चल रहे थे अपने स्वराशि में, तो लोगों की तमाम कठिनाइयां परेशानियां आ रही थी, कार्य रुक रहे थे, जो कार्य 10 दिन में होना चाहिए वो कार्य 1 महीने में हो रहा था, तो अभी वो सब परिवर्तन होगा, लाभ के प्रबल योग हैं कई राशियों के लिए। साथ ही विशेष में मैं यही कहूँगा कि अभी राजनीतिक उथल पुथल भी होगी, क्योंकि शनि अभी आपके मार्गी हुए हैं, तो लोगों को विशेष लाभ होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही इस बार मैंने आपको विशेष और भी बताया था कि मेष राशि में चंद्र ग्रहण लगा था, तो अभी आप देख रहे हैं तमाम उथल पुथल हो रहे हैं, तमाम चीज़ों का लोगों को कठिनाइयां आ रही हैं, तो ये कुछ समय रहेगा, लेकिन अभी शनि जैसे ही मार्गी हुआ है तो विशेष लाभ होगा। अगर आपके कुंडली में शनि नीच का या अशुभ का बैठा है, तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले वस्त्र, लोहे से संबंधित कोई चीज़ आप खरीदे ना, साथ ही छाया दान करें सरसों के तेल में, अपना चेहरा देखकर उसको किसी गरीब जरूरतमंद मंदिर या जो भी शनि के दान लेने योग्य हैं उनको आप दान करें, तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। कोशिश करें सरसों का तेल बिल्कुल कदापि ना खरीदें उस दिन, अगर आपको दान करना है तो पहले खरीद कर रख लें, तो ये आपके लिए विशेष होगा। और शनि महाराज आपको दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे, शनि देव जो हैं न्याय के कारक हैं, तो कोशिश करिए आप सही रास्ते पे चलेंगे तो और भी तरक्की के योग बनेंगे।
पंडित जी, आपके आज के विशेष से मुझे एक सवाल जहन में आ गया। अभी आपने जिक्र किया कि अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण लगा था और वो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण था, जिसका अभी भी कुछ राशियों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये प्रभाव कितने और दिनों तक देखने को मिल सकता है? देखिए, वैसे तो एक पक्ष का होता है, लेकिन जब तक अभी चंद्रमा एक राशि में 2.5 से 3 दिन रहता है, तो अभी जब तक दोबारा अभी वो आपका सिंह राशि में मेष राशि में लगा था, तो अभी ये मान के चलिए 28 से 30 दिन, मतलब 8 अभी कुछ दिन बीत गए हैं, तो अभी 15 से 20 दिन और लगे जब तक मेष राशि में एक बार फिर से चक्कर लगाकर चंद्रमा क्रॉस नहीं करेगा, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो अभी जब पुनः चंद्रमा मेष राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। धन्यवाद पंडित रविशंकर जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, आपकी भविष्यवाणियों के बारे में पंडित जी से जानेंगे, और साथ ही अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान क्या है ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप ईमेल के जरिए हम तक पहुँचाएं, ताकि हम आपकी हर एक समस्या का समाधान पंडित जी से पूछ सके और साथ ही साथ आपको पहुँचा सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।